नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी मेरा नाम फारूक तारिक है और मेरा सवाल है सिद्धार्थ साहब से। सिद्धार्थ आपको वेलकम करते हैं पाकिस्तान में, और सवाल है हमारा जो एक साथी इंडिया की जेल में बंद हैं न्यूज़ क्लिक के प्रबीर साहब, उनकी सेहत के बारे में कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ आप बता सकेंगे कि उनके केस की मौजूदा सूरत हाल क्या है, और प्रबीर के बारे में जो वहाँ पे न्यूज़ क्लिक के एडिटर थे। सिद्धार्थ यू वांट टू कम हियर। जनाब सवाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रबीर पुरकायस्थ, उनकी उम्र जो है तकरीबन 75 साल की है, और पिछले अब 6 महीने से ये एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत उनको बंद किया गया है। प्रबीर जो हैं ये फाउंडिंग एडिटर हैं न्यूज़ क्लिक, जो एक डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट है, इंडिपेंडेंट है, प्रो पीपल है, और इस वेबसाइट ने जो हिंदुस्तान में जो किसानों का जो आंदोलन चला और भी जो स्ट्रगल्स हैं लोगों के, उनके बारे में रिपोर्टिंग की है बड़े इंडिपेंडेंट और फ्री तरीके से। तो इन पे इल्ज़ाम जो है सरकार ने लगाया है कि आपने चीन से पैसा लिया है, और ये एकदम बेबुनियाद आरोप है, बेबुनियाद इल्ज़ाम है, क्योंकि सारा जो पैसा इनको मिला है वो बैंकिंग चैनल से मिला है और उसकी आइडेंटिटी सरकार को अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये केस फैब्रिकेट किया गया है, और जिस कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है इस कानून के तहत बेल मिलना बहुत मुश्किल है, और इसी वजह से जो है इसको उन पे ये चार्जेस लगाए गए हैं, क्योंकि अगर मामूली कानून के तहत उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती तो शायद अब तक उनको जमानत मिल जाती। तो मकसद यही है कि एक आदमी को जेल में रखो और हजारों की तादाद में लोगों को डराओ धमकाओ।